सब्सक्राइब कीजिए ओमजी एक्सप्लोरर को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए, और यह है बिल्कुल फ्री। 15 सेकंड तक ऑडियंस को एंटरटेन करना और 10 मिनट तक ऑडियंस को लगातार एंटरटेन करने पे बहुत फर्क है, कुछ ऐसा बोला फ्लाइंग बीस्ट के ओनर यानी कि मिस्टर गौरव तनेजा ने। जी हाँ गाइस, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के ऊपर हो रही कंट्रोवर्सी के बारे में। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आने वाले वीडियो से कुछ अलग टॉपिक पर है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है, क्योंकि जब से एल्विश यादव ने टिकटॉक के ऊपर रोस्ट वीडियो बनाया है और इसके बाद आमिर सिद्दीकी का IGTV पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसको बहुत सारे टिकटॉकर्स ने पसंद किया, बहुत सारे टिकटॉकर्स ने उसे टैग किया, इसके साथ ही काफ़ी सारे लोगों ने उसको लेकर अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी अपडेट किए उस आमिर सिद्दीकी के उस वीडियो को, जिसके बाद जो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की कंट्रोवर्सी है वो लगातार बढ़ती चली गई। तो ऐसे में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आमिर सिद्दीकी ने जो भी टॉपिक्स रखे वो कितने बेटर हैं, और इसके साथ ही मुझे जो सबसे अच्छा ओपिनियन लगा वो लगा रितु राठी मैम और साथ ही गौरव तनेजा भैया का। तो ऐसे में यहाँ पर फ्लाइंग बीस्ट के चैनल से जो भी टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब के ऊपर चीज़ें बताई गई, जो भी पॉइंट्स रखे गए, आई थिंक वो सबसे बेटर थे। और इसके साथ ही कुछ चीज़ें आमिर सिद्दीकी की भी ऐसी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली थी। तो आइए देखते हैं क्या है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ओमजी एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिखाए रेड कलर के बटन को टच करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बाद में आने वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तो गाइस, इस जो कंट्रोवर्सी है इसकी स्टार्टिंग हुई थी एल्विश यादव की टिकटॉक वीडियो रोस्ट करने से। जी हाँ, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसकी स्टार्टिंग एल्विश यादव ने की, जहाँ पर उन्होंने कुछ टिकटॉकर्स, बल्कि कहूँगा मैं पॉपुलर टिकटॉकर्स को रोस्ट किया, जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने उनकी उस वीडियो को पसंद किया, जो ऑडियंस है वो पसंद करती है। लेकिन गाइस, इसके बाद आमिर सिद्दीकी जो कि एक पॉपुलर टिकटॉकर हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया जो कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम यानी कि IGTV पर अपलोड किया। इसके बाद वहाँ पर उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने पसंद किया। तो सबसे पहले तो हम लोग एल्विश यादव की उस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर एल्विश यादव ने पॉपुलर क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा रोस्ट किया, और लेकिन उन्होंने इस वीडियो को बनाने से पहले सबसे पहले ये ज़रूर बोला कि मैं किसी भी टिकटॉकर को हेट नहीं करता हूँ, ये सिर्फ एक एंटरटेनिंग पर्पस से बनाई गई है और ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है। जी हाँ, अगर रोस्टिंग में गालियाँ नहीं होंगी तो वो सीधी सी बात है कि ऑडियंस एंटरटेन कैसे होगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने ऐसी चीज़ों को यूज़ किया, और बाकी सभी रोस्टर्स जो हैं वो भी इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन जो बाकी बड़े बड़े रोस्टर्स हैं वो किसी छोटे टिकटॉकर्स को रोस्ट करते हैं, जिससे वो जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं वो पॉपुलर भी हो जाते हैं और साथ ही वो इतना ज़्यादा उस हेट को माइंड नहीं करते। बट जो लोग पॉपुलर क्रिएटर्स हैं, जिन्हें पॉपुलर क्रिएटर्स का टिक मार्क मिल चुका है टिकटॉक पर, जब कोई बंदा उसे करता है रोस्ट, तो ऐसे में यहाँ पर शायद वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेट लगता है। तो ऐसे में यहाँ पर एल्विश यादव ने खुद उस टिकटॉक वीडियोज़ को रोस्ट किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको मैं बता दूँ, एल्विश यादव का खुद भी टिकटॉक पर अकाउंट है, और जिस तरह उन्होंने टिकटॉक पर क्रिंज कंटेंट बोलकर उन सभी लोगों को रोस्ट किया, वहीं जो एल्विश यादव हैं वो भी जो अपने टिकटॉक अकाउंट पर वीडियोज़ अपलोड करते हैं वो पूरी तरह से क्रिंज होती है। तो ऐसे में यहाँ पर अब एल्विश यादव ने खुद को भी छक्का बोला, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जिस कैटेगरी में एल्विश यादव खुद थे उसी कैटेगरी में सभी लोगों को उन्होंने रखा, तो इट्स नॉट अ बिग डील। सबसे पहले चीज़ ये हो गई। इसके बाद आमिर सिद्दीकी ने जो अपने IGTV वाले वीडियो पर बोला, कुछ पॉइंट्स रखे वो क्या थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि क्योंकि टिकटॉकर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और क्योंकि जो ऑडियंस के साथ उनकी इंगेजमेंट है वो इंस्टाग्राम पर यूट्यूबर्स से ज़्यादा बेटर है और अदर सोशल मीडियाज़ पर भी वो ज़्यादा बेटर हैं, साथ ही वो लोग बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में नहीं रहते। उन्होंने बोला हम लोग टिकटॉकर्स हैं, किसी के साथ भी वीडियो बना देते हैं, हम लोग इतना बहुत बड़ा बिग डील नहीं समझते, बट आप लोग अपने आप को एक सेलिब्रिटी समझते हो, ये चीज़ें उन्होंने बोली। तो ये चीज़ें कुछ डिसअपॉइंट करने वाली थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि ब्लॉगिंग
ब्लॉगिंग करते हैं, मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, एग्जांपल के तौर पर मैं फ्लाइंग बीस्ट कह सकता हूँ या फिर माउंटेन ट्रिकर कह सकता हूँ, तो ऐसे में यहाँ पर जैसे माउंटेन ट्रिकर के वरुण वागीज भैया, उन्होंने भी वो भी अपना नॉर्मल जो ट्रैवलिंग ब्लॉग है वो बनाते हैं और रोडों में ही निकल जाते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर उनके अंदर या मैंने कभी फ्लाइंग बीस्ट वाले गौरव तनेजा भैया के अंदर कभी भी एटीट्यूड नहीं देखा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ उनकी गलत थी आमिर सिद्दीकी की। बट उन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कही वो ये थी सीसी के बारे में, जी हाँ कॉपीराइट कंटेंट के बारे में। उन्होंने बोला कि आप यूट्यूबर्स हम ही लोगों की वीडियोस को यूज़ करते हो और हम ही लोगों का रोस्ट भी करते हो, और कभी सोचा है कि अगर हम लोगों ने उस सीसी यानी कि कॉपीराइट कंटेंट को यूज़ किया, कॉपीराइट स्ट्राइक दिया आपको, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर, जी हाँ उनकी बात एकदम सही थी, उन्होंने जो कहा वो एकदम सही था कि हम उनकी वीडियोज़ को ही यूज़ करते हैं, उनकी वीडियोज़ का ही इस्तेमाल करते हैं अपनी रोस्टिंग वीडियोज़ में, और आई थिंक सो कि अगर वो लोग कुछ ऐसा करते हैं तो शायद कोई भी रोस्ट फिर टिकटॉक के ऊपर वीडियोस को रोस्ट करना बंद कर देगा। तो यहाँ पर आई थिंक आमिर सिद्दीकी की ये बात काफ़ी बेटर थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी बोली आमिर सिद्दीकी ने जो कि काफ़ी गलत थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन इसके बाद अब मैं बात करता हूँ फ्लाइंग बीस्ट वाले गौरव भैया के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर गौरव भैया और ऋतु राठी मैम दोनों ने ही अपने अपने ओपिनियंस दिए, दोनों के ही ओपिनियंस अलग थे, और आई थिंक जो भी दोनों के ओपिनियंस थे वो काफ़ी ज़्यादा बेटर थे। पहले गौरव भैया ने ये बोला कि लगभग टिकटॉक में 100% वीडियोज़ क्रिंज होती हैं, लेकिन यहाँ पर फिर ऋतु मैम ने बोला कि 100% नहीं बल्कि 90% कहा जा सकता है कि क्रिंज होती हैं, बस जो 10% क्रिएटर्स होते हैं वो रियल कंटेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं इनकी बात से पूरी तरह से सहमत था, और इन्होंने जो चीज़ बोली वो एकदम सही थी। इन्होंने बोला कि लगभग 90% बंदे तो क्रिंज वीडियोस को बनाते हैं, लेकिन 10% ऐसे लोग होते हैं जो अपना कंटेंट दूर कर लाते हैं, कुछ अमेजिंग करते हैं वीडियो में, और इसीलिए वो लोग वायरल हो पाते हैं। तो ये चीज़ मेरे को रितु मैम की बहुत अच्छी लगी। लेकिन इसके बाद गौरव तनेजा भैया ने और भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी जो कि आप उनकी वीडियो पर जाकर देख सकते हो, लेकिन मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। वो ये था कि गौरव भैया ने बोला कि लेकिन एक चीज़ तुमको भी माननी पड़ेगी, और रितु मैम ने भी उससे एग्री किया। उन्होंने बोला कि हम जो लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं कि पूरी वीडियोस पे लगातार मेहनत करते रहते हैं, जो एनर्जी वो लोग अपनी 15 सेकंड की वीडियो में डालते हैं, हमें वो एनर्जी अपनी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो पर डालना पड़ता है, तब जाकर ऑडियंस हमसे इंगेज रह पाती है 10 मिनट तक। ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग 15 सेकंड तक अपने पास ऑडियंस को अपने साथ इंगेज रखते हो, आप ऑडियंस को एंटरटेन करते हो, बट हमें 10 मिनट की वीडियो में लोगों को एंटरटेन करना होता है, यानी कि हमारी जितनी एनर्जी अपनी एक वीडियो को बनाने में लगता है, आप अपनी उतनी ही वीडियो 40 बना सकते हो। तो ये चीज़ मेरे को गौरव भैया की बहुत अच्छी लगी। इसके साथ ही उन्होंने और भी चीज़ें बोली। उन्होंने जैसे बोला कि सभी लोग अपनी अपनी जगह मेहनत करते हैं, कोई अगर क्रिंज कंटेंट भी बनाता है तो ऐसे में शायद वो भी वहाँ पर बहुत मेहनत करता है और हम भी बहुत मेहनत करते हैं। जिस तरह हम किसी को देखकर लगता है कि मेरा काम ज़्यादा टफ है बट उसका आसान है, लेकिन उसको लगता है कि उसका काम आसान है और मेरा टफ है, तो सेम ऐसी चीज़ हमारे टिकटॉक और यूट्यूब कम्युनिटी के बीच है। यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है ये दोनों के बीच इसी चीज़ की है कि टिकटॉकर सोचते हैं कि हम ज़्यादा पॉपुलर हैं, टिकटॉकर सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं, हम क्रिंज कंटेंट नहीं बनाते हैं, यूट्यूबर सोचते हैं कि वो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, वो कम मेहनत करते हैं और लेकिन फिर भी उन्हें ज़्यादा फेम मिलता है, तो कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं मेरी बातों से मुझे नीचे कमेंट करके बताना, कि आप एग्री हैं गौरव तनेजा और ऋतु मैम दोनों की बातों से, मुझे ये भी नीचे कमेंट करके बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।